गुड मॉर्निंग गाइज, तो कैसे हो आप लोग? आप लोग गाइज बढ़िया होंगे। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब ठीक है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अभी अपने खेत पे, खेत पे इसलिए जा रहा हूँ, खेत पे लगी हम लोगों की रोपाई। तो यार गाइज हमारे वहाँ पे मतलब पहाड़ों में लगती है रोपाई, ठीक है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने खेतों पर, तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे पहाड़ों में कैसे रोपाई लगा जाती है, कैसे क्या किया जाता है, वो सब चीज़ें आप लोगों को इस मेरे ब्लॉग वीडियो में देखने को मिलेगी। तो गाइज अभी पहुंचा हूं मैं एक वीरान से जंगल में, देख सकते हो लेकिन थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, मेरे पीछे छतरी वतरी है, बारिश लगी है बहुत तेज, यहाँ पर मौसम ख़राब हो रखा है यार बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज मैं अभी पहुंच चुका हूं आधे रास्ते में, मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा कि क्या क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें। चलता है अपने खेत की ओर, जब खेत में पहुँचेंगे तब जाके दिखाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर रोपाई लगाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है। तो आप लोग देखने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। अगर हमारा ब्लॉग वीडियो पसंद आता है तो आपको एक लाइक ज़रूर कर देना यार, और एक कमेंट भी कर देना कि प्यारा सा कहाँ पे यार भाई लोग गलतियाँ हो रही है मेरे कहने से और कहाँ पे नहीं हो रही है यार, बताते रहना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ की लोकेशन देख लो, देख सकते हो भाई कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है यार, आज एकदम कोहरा वहरा लग रखा है, मतलब यहाँ पर कट रखी है हमारी कच्ची रोड, एकदम थोड़ा सा दूर अपने खेत से, मतलब ठीक है दिखा जस्ट पहुँचने वाले हैं थोड़ा सा। तो गाइस बारिश ज़्यादा होने की वजह से हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए कि मैंने बैल कैसे लगाए और क्या कहते हैं, और वो चीज़ तो दिखा नहीं पाया। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस पौधों को रोपण किया जाता है यहाँ पे खेतों में, देख सकते हो आप, दिखाते हैं आपको बैक कैमरा करके, ठीक है। मेरी मम्मी जी, हेलो इधर देखना जरा, थोड़े जहाँ चाहते हैं, देख सकते हो कैसे रोपण किया जाता है, ये बिल्कुल गौर से देखिए। अरे हमारी अम्मा जी मड़ी मल के सवाद है, ये बिल्कुल अपने मजे में है, कोई देखने की इच्छा ही नहीं इनकी। और ये हमारी पूजा जी, हमारी छोटी सिस्टर, हेलो, ये बिल्कुल शर्माने में यार, डॉली सिस्टर हेलो। और पिताजी एकदम फौड़ी ओड़ी लेके बिल्कुल बीड़ी फूकते हुए, और बुबू जी भी हमारे साथ में, उनका साथ दे रहे हैं बीड़ी फूकने में, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको, थोड़ा रेस्ट टाइम चल रहा है यार इनका। देखो यार कैसे रोपण किया जाता है इस चीज़ का अभी, और इसमें दिखाएंगे कैसे बैलों को जोता जाता है। बैल तो मैंने लगा दिया यार अभी फिलहाल, इसमें लगाए थे, इसमें किया जाएगा रोपण, बैल इधर खड़े हैं अपने, देखो देखो पूरा व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है यार। हेलो मम्मी जी, आपको कैसा फील हो रहा है रोपण करने में, कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कौन सा लग रही है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, थल मल के साहब लोग बताए कैसा फील हो रहा है आपको ये रोपण करने में, ठीक है जी। चाय पीने की प्रोग्रेस चालू कर लिया पहुँचते हुए, और पिताजी की बीड़ियों की ट्रेन चलते हुए, मम्मी जी बिल्कुल चाय पीते हुए, देख सकते हमारी हमारे चाय लेके आ चुकी है यहाँ पर, और डॉली तो बिल्कुल शर्माती है यार हमारी, महंगे देखती नहीं है तेरे को डॉली। बुबू जी भी हमारे चाय पीते हुए, मन्नू पहाड़ी, हेलो मन्नू पहाड़ी, बस छताले लोका देना यार। तो दोस्तों हमारा आ चुका है अभी खाना, करते हैं खाने की प्रोग्रेस चालू यार, हमको तो लग चुकी है यार भूखा, खा रहे खाना वाना, खा लो भैया की भैया गरम दाल, यार कह रहे यार को पूछे बोलता है वीडियो ना, यार एक फोन चाहिए वीडियो बनने के लिए, अब हम उन्होंने मेरा चाह चाहे बोली है। गाइस छुट्टी कर ली हम लोगों ने, तो अभी अब लास्ट खेत बचा हमारा, मतलब वो भी कर दिया है पूरा, तो उस पर अब क्या करना, अब लास्ट बचे हमारे पास एक दो तीन चार, चार खेत और परसों लगेंगे वो। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।